हमारे यहाँ ये भी एक मामला है, गुस्ताखाने रसूल से राबता है, कहते हैं यार ये देखो सरकार की गुस्ताखी करता है, शान में इस तरह बातें करता है। हम कहते हैं जी क्या करें, मुस्ताफ बिरादरी है ना, खानदान है ना, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है, दोस्ती भी तो निभानी पड़ती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बताइए सहाबाए किराम आलम रिदवान से बढ़कर कोई आशिक रसूल पूरी दुनिया में पैदा हुआ है और क्या क्यामत तक होगा? उन्होंने इस इम्तिहान पे पूरा उतर कर दिखाया है। जब मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़ो और तुम्हारे वो आबाओ अजदाद जिन्होंने तुम्हें गलत अकायद की तालीम दी है मानोगे वो जहन्नमी है, मानोगे उनके अकायद गलत है, तो सहाबाए किराम ने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा या सुल्ला वो कैसे गलत हो सकते हैं, वो कैसे जहन्नमी हो सकते हैं, हम कैसे अपने बिरादरी और खानदान की मुखालफत मोल लें? उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, आप पर मेरे बाप कुर्बान, मेरी माँ कुर्बान। बिरादरी छूटती है छूटे, लोग नाराज होते हैं नाराज हो, लेकिन सरकार से मोहब्बत का ताल्लुक खत्म नहीं होगा। और जब मेरे आका ने फरमाया हिजरत करो, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारा बचपन गुजरा है, जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारा खानदान है, बिरादरी है, बीवी बच्चे हैं, बागात हैं, मवेशी हैं, ठंडे मीठे पानी के चश्मे हैं, तुम्हारा बिजनेस है। सहाबे किराम ने नहीं पूछे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर क्या होगा, हम खानदान को छोड़ दें, हम बिरादरी को छोड़ दें, अकेले हो जाए? नहीं, उन्हें मालूम था कि दामन मुस्तफा से वाबस्ता होंगे तो पूरी कायनात कदमों में होगी और ये दामन छोड़कर सबसे वाबस्ता हो जाएंगे तो अल्लाह ताला सब की चीज नेमतें, सब नेमतें, सब रहमतें हमसे दूर फरमा देगा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। छोड़कर इस तरफ आ गए तो गज़वा बदर है, सहाबे कराम एक तरफ खड़े हैं, अंसार सहाबा थे उन्हें क्लेमे के लिए हटा ले, मुहाजिर सहाबा मौजूद थे ना मक्के से हिजरत करने वाले, और सामने जो खड़ा है लश्कर जर्रार 1000 का तकरीबन, ये इनके खानदान बिरादरी वाले ही थे, तलवारें निकली हुई हैं, सामने बाप है, चाचा है, मामू है, ताया है, बहनोई है, लेकिन इस तरफ मेरे नबी हैं, इस तरफ ईमान है, इस तरफ इस्लाम है, इस तरफ ईमान का इम्तिहान है। सहाबे किराम अली रिदवान के पांव में लफ्जिश पैदा नहीं हुई, हाथ नहीं कांपे हैं, अगर बाप पे हाथ उठाए तो बाप की गर्दन उड़ाई है, अगर चाचा पे हमला किया है तो चाचा ही गर्दन उड़ा दी, अब अगर मोहब्बत है तो सिर्फ सरकार के दामन से वाबस्तगी की वजह से है, वरना ना कोई हमारा बाप है ना कोई हमारी माँ है। अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के साहिबजादे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर कहते हैं इस्लाम लाने के बाद ग़ज़वा बदर में कुफार की तरफ से आए थे। अब्बा जान कई मरतबा ऐसा हुआ कि आप मेरी तलवार के सामने आए, लेकिन सिर्फ इसलिए तलवार रोक ली कि आप मेरे वालिद हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बल्कि इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार के सामने एक मरतबा भी आता तो तेरी गर्दन उड़ाने में देर ना करता, इसलिए कि ये इम्तिहान है ईमान का। उनके अंदर ईमान था, ईमान की रूह निकली हुई एक लाश नहीं थी। कहा कि अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो हमारी गर्दन उड़ा देता। ग़ज़वा उहुद में जब बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए हैं तो औरतें जब लाशें लाई गई, औरतें आई, एक खातून आगे बढ़ी, किसी ने कहा आपके वालिद की लाश, कहा कि ठीक है लेकिन ये बताओ सरकार कैसे है, किसी ने कहा ये आपके शौहर की लाश है, कहा कि ठीक है ये बताओ सरकार कैसे है, किसी ने एक लाश रखी सामने ये आपके भाई की लाश है, कहा कि ये भी ठीक है लेकिन ये बताओ मेरे सरकार कैसे हैं, किसी ने बेटे की लाश सामने रखी, कहा ये भी ठीक है लेकिन ये बताओ मेरे सरकार कैसे हैं, कहा कि खैरियत से वहां बैठे हैं। फौरन वहां पहुंची, सरकार को देखा, आंखें छलक गई, सरकार का दामन रहमत थामा और अर्ज किया रसूलल्लाह जब आप सलामत है तो खुदा की कसम मुझ पर तमाम मुसीबतें आसान है, ये है मोहब्बत। हालांकि वो तो भाई वगैरह सब मोमिन ही थे ना, लेकिन सरकार पर उनको फौकियत, यहां मोमिनों पर सरकार की मोहब्बत को फौकियत, उनकी तरफ तवज्जो नहीं, उनका गम नहीं, सरकार के सलामत रहने की खुशी है। और यहां सूरत हाल यह है कि एक बदमजहब हो, एक गुस्ताखे रसूल हो, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हो, लेकिन हम प्यार से इसलिए हाथ मिलाए कि नहीं जी दोस्ती है, क्या करें जी, मामू है, बहनोई है, ताया है, फुप्पा है, असल रिश्ता सरकार का है। याद रखिए कब्र में जाएंगे ये मामा साथ नहीं होगा, ये चाचा साथ नहीं होगा, ये दोस्त साथ नहीं होंगे, मेरे आका खड़े होंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंत तकूलु फी हक़ हाज़र रजुल, तू शख्स के बारे में क्या कहा करता था,
अगर सरकार के तरीके पे चले होंगे, सरकार से मोहब्बत रखने वालों से राब्ता रखा होगा, गुस्ताखाने रसूल से, बद मजहबों से दूर होंगे, तो इंशाल्लाह जबान से निकलेगा फरिश्तों मैं बताऊं कि ये कौन है, या मेरे सरकार बताएं मैं कौन। पूछो मेरे सरकार से, हर मुश्किल का मुकाबला किया है, अपने आका के लिए सबको छोड़ दिया, आका का दामन थामा, अल्लाह ने पूरी कायनात पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाली। मेरे सरकार से पूछो। और फिर मैदान माशर में जब सरकार की बारगाह में शफाअत का सवाल करने के लिए जाएंगे तो नदामत नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, निगाहें झुकी नहीं होंगी वहां पर, फिर इंसान को अपनी साबिका जिंदगी पर जिल्लत और रुसवाई का एहसास नहीं होगा, फख्र से जाके सरकार का दामन थामेंगे। और जो यहाँ सरकार के दुश्मनों के साथ रब्ता रखता होगा और वो दुश्मन एक लाइन में मुजरिमीन की हैसियत से शर्मिंदगी के साथ सर झुका के खड़े होंगे, और अल्लाह ना करे अगर अल्लाह ने उनके साथ हमें भी खड़ा कर दिया तो फिर किस मुंह से सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कामिलियत ही